बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। कला और वाणिज्य, अपन अर्थशास्त्र में कला एवं वाणिज्य दोनों के लिए अर्थशास्त्र एक ही है अपन पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, उपभोक्ता उपभोक्ता संतुलन और मांग। तो उपभोक्ता, प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय और वस्तु और सेवाओं को खरीदी गई खरीदी पर खर्च करता है। मतलब जो उपभोक्ता होता है वह अपनी वस्तु और सेवाओं के लिए क्या करता है, खर्च करता है, वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, जिससे वह जो उसकी आवश्यकताएं उनको क्या कर सके, संतुष्ट कर सके। उपभोक्ता उपभोक्ता जो होता है उसकी उद्देश्य सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होना। मतलब जो भी उपभोक्ता है उसको ये लगता है कि मेरी सीमित आय में हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्या करना है, संतुष्ट। उपभोक्ता चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो आय है उससे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति पर पहुंच जाता है और स्थिति में संतुलन की स्थिति उसको मतलब क्या कहते हैं, जब उपभोक्ता को मतलब जो संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह संतुलन की स्थिति कहा जाता है। तो इसको उपभोक्ता का समय संकुचन से होता है, वह बाजार की कीमत में जो बाजार से कीमत होती है उससे अपनी आय को इस ढंग से खर्च करने की योजना बनाता है कि वह अपनी कुल संतुष्टि को क्या कर सके, जो उसकी संतुष्टि उसको अधिकतम कर सके। उसकी विश्लेषण पढ़ा था अपन ने, सीमांत उपयोगिता का अपन ने इसके पहले विश्लेषण पढ़ा था। उसमें केवल जब केवल एक वस्तु का उपभोग होता है तथा जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपयोग होता है तो क्या होता है, ये उपभोक्ता संतुलन का क्या है, विश्लेषण है। उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में, तो उपभोक्ता जो होता है उसकी उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होता है उसका ऐसे मुद्रा से मापी गई सीमांत उपयोगिता। इसके बाद है साधारणतः वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग होने लगती है, इसलिए मांग के विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र दाएं से क्या होता है, नीचे की ओर क्या हो जाता है, गिरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ दशाएं ऐसी होती हैं, कुछ दिशाएं ऐसी होती है जिसमें मांग वक्र नीचे की ओर झुकने की बजाय ऊपर की ओर झुकता है। ये गिफिन का विद्रो फाइल्स वस्तु, तब ये गिफिन की जो वस्तु का ये जो नियम है, ये जो परिभाषा है, ये गिफिन के विद्रो फाइल्स वस्तुओं पर मांग पर नियम लागू होती है। ये गिफिन का विद्रो फाइल्स नियम है, ये गिफिन का उनका मत यह है
कीमत में कमी आ जाने से उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाई खरीदने के स्थान पर श्रेष्ठ वस्तुओं का करने लगता है, क्रय करने लगता है, करने पर व्यय करता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, गेहूं की तुलना में ज्वार, जो गेहूं है उसकी तुलना में अगर बाजार में ज्वार बाजरा एक निम्न श्रेणी की वस्तु है। निर्धन श्रमिक अपनी आय का एक भाग ज्वार बाजरे पर क्या करता है, व्यय करता है। किंतु बाजरे की कीमत कम हो जाने पर श्रमिक अधिक बाजरा खरीदने के स्थान पर श्रेष्ठ वस्तु अर्थात गेहूं पर खर्च करने लगेगा, तो बाजार में ज्वार बाजरे की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह गिफिन विद्रोहांश कहलाता है। तो ये क्या है, गिफिन विद्रोहांश का उपभोक्ता संतुलन क्या और उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या होती हैं? तो उपभोक्ता, ये आपको बता दूं, उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त है तटस्थता वर्ग। जो तटस्थता वर्ग है ये है उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने के पूर्व, जो उदासीन वक्र की व्याख्या अत्यंत आवश्यक होती है। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता को प्राकृतिक से किसी भी जो किसी भी परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए पहली शर्त यह है कि तटस्थता वक्र बिंदु उसके कीमत रेखा को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो OXY अक्ष होगा, उस पर वस्तु होगा और ये वस्तु की क्या होगी, प्राइस, ये वस्तु की OX। तो संतुलन बिंदु पर होगा ये बिंदु, सबसे अधिक संतुष्टि मिलेगी। इसे पार रेखा चित्र जो आपको दिखा दिख रहा है, स्पष्ट किया जाता है कि ए भी एक रेखा है, ए और बी एक जो रेखा है, यदि है ए और ये बी एक रेखा है जो IC1, IC2 और IC3, ये तीनों क्या है, IC1, IC2 और IC3, ये क्या है आपके तटस्था वर्ग है, वक्र है। क्या है ये, जो वो जो वक्र एक्स वाई की वस्तु से सहयोग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो C1 तथा C3 मतलब जो ये है IC और IC1 जो है तटस्था वक्र रेखा कीमत रेखा को क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देता है। तो आप देखोगे IC3 और IC31 ये जो है तटस्था वक्र कैसे है रेखा है, क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से ये नीचे की ओर आ रहे हैं। इसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों वक्र कैसे हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। अतः एक उपभोक्ता की आय कैसी है, ये कैसे हो, क्या हो गया, ये उपभोक्ता की आय कैसी हो गई, सीमित हो गई। और एक उपभोक्ता अपनी आय को क्या करेगा, अपनी उपभोक्ता अपनी सीमित आय, जो उपभोक्ता की सीमित आय है उसे क्रय करने में तब आय से क्रय नहीं कर सकता, इसलिए IC1 कम संतुष्टि व्यक्त करता है। और IC2 वक्र एक ऐसा वक्र है जो बिंदु P पर कीमत रेखा को क्या करता है, स्पर्श करता है। जो आपको अभी बताऊं मैं, ये बिंदु P है जो उसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। वस्तुतः P बिंदु उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है, तो कोई भी वस्तु कोई भी उपभोक्ता के लिए जो संतुलन की जो बिंदु है वो क्या है, पी मतलब कीमत, प्राइस। कीमत रेखा का ढाल तटस्था वर्ग ढाल के समान हो, मतलब जो कीमत रेखा होती है वह ढाल तटस्था वर्ग के समान हो, तो पी बिंदु पर कीमत और तटस्था वर्ग ढाल एक समान या एक बराबर है। तो उसके बाद है सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है, घटती है। उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक है कि एक्स और वाई सीमांत प्रतिस्थापन की दर को क्या करता है, घटाता है। तटस्था वर्ग मूल बिंदु से क्या हो जाता है, उल्टो दर हो जाता है। ये हो गया आपका तटस्था वर्ग। तटस्था वर्ग दो वस्तुओं, तटस्था वर्ग क्या होता है, तटस्था वर्ग दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाती है जिसमें उपभोक्ता एक समान संतुष्टि
मतलब जो उपभोक्ता होता है उसको एक समान संतुष्टि, मतलब कोई भी वस्तु का जो उपभोग करता है उपयोग करता है उसे एक समान संतुष्टि क्या होती है प्राप्त होती है। इस वक्र की सहायता से एक उपभोक्ता सहयोग के लिए के समान संतुष्टि प्राप्त करता है। जो इस ये हो गया तटस्था वर्ग क्या होता है, तटस्था वर्ग के लिए तो तटस्था वर्ग क्या होता है वो दो वस्तुओं के ऐसे सहयोग को दर्शाता है तटस्था वर्ग जिससे उपभोक्ता को क्या प्राप्त होती है एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस वक्र की सहायता से उपभोक्ता सहयोग से समान संतुष्टि क्या करता है प्राप्त करता है। फिर इसकी तटस्था वर्ग की विशेषताएं क्या है, तो तटस्था वर्ग कैसा होता है बाएं से दाएं की ओर ढाल वाला होता है। बाएं से दाएं की ओर क्या होता है ढाल वाला होता है। यह वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु जो होता है उसके उन्नतोदर मतलब बढ़ता हुआ होता है। यह क्रम यह वक्र जो होता है यह वक्र उपभोक्ता को प्राप्त समान संतुष्टि का माप करता है, संतुष्टि की माप करता है। किसी उच्च तटस्था उसकी ऊंची जो तटस्था होता है उच्च संतुष्टि के स्तर को भी दर्शाने की इसमें क्या होती है क्षमता होती है। तटस्था वर्ग का ना तो स्पर्श हो सकता है और ना ही एक दूसरे से विच्छेदित कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते भी नहीं है। दो तटस्था वर्ग जो होते हैं वह ना तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ना ही वे विच्छेदित कर सकते हैं। फिर तटस्था वर्ग दो वस्तुओं के तटस्था वर्ग होते हैं दो वस्तुओं के सहयोग पर भी बन सकते हैं। जो तटस्था वर्ग कैसे होते हैं जो दो वस्तुओं संतुष्ट मतलब जो दो वस्तु होती है उनके सहयोग से ही बन सकते हैं। तो ये आपने आज पढ़ा कि तटस्था वर्ग क्या होता है, आप तटस्था वर्ग की विशेषताएं देखी, आपको आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद छात्रों।